हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल लर्न हाउ टू मेक में। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो मीटर के अंदरूनी सर्किट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इससे आप यह सीख पाएंगे या जान पाएंगे कि हमारे मीटर के अंदर होता क्या है, एक्चुअली वृत्त में अंदर का पावर और कंट्रोल सर्किट के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी है जानकारी आपको दी जाएगी, मगर इसका गलत उपयोग आप लोग नहीं कीजिएगा। इसमें किसी प्रकार का चोरी वगैरह, बिजली चोरी आप नहीं कीजिएगा। हमारा तरफ से इंस्ट्रक्शन है, उससे काफ़ी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जेल वेल तक जाना पड़ सकता है। ये जानकारी आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं दे रहा हूँ। तो मैं वीडियो बनाने से पहले ही आपको सूचित करता हूँ, कैसा मेरा वीडियो से कोई भी नॉलेज ना लें जिससे आप जिसको चोरी करें। ये सिंपल पावर सर्किट है और मैं उसके बारे में कभी बताता भी नहीं हूँ कि बिजली चोरी करें। सिंपल सा मैं पावर सर्किट को, मैं देखिए टर्मिनल को खोल के दिखा रहा हूँ कैसे कैसे हमारा पावर सर्किट कनेक्शन रहता है, जो कि आपको नॉलेज के लिए है, जो कि आप समझ पाएँ कि हमारा एक मीटर के अंदर इतना सारा सर्किट है कैसे काम करता है, जिससे हम पैसा भर पाते हैं, पैसा कैसा यूनिट उठता है। सारी जानकारी मैं अंदर के बारे में बता रहा हूँ। इसमें ब्रीफ मैंने आपको सेक्शन वाइज बताया है, तो आप देख सकते हैं। ये मीटर का देखिए पावर टर्मिनल है, दो ही चार पावर टर्मिनल रहता है, दो इनपुट रहता है, दो आउटपुट रहता है। दो मैंने खोल दिया है, दो मैं खोल रहा हूँ, जिसमें सीटी लगा हुआ है, देख सकते हैं। सीटी करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं, वो मैं टर्मिनल खोल रहा हूँ। ये देखिए, आप अगर ये दोनों देखें, जो टेस्टर लगा हुआ है प्लस जो एक खोल दिया है, दोनों इनपुट है और बगल वाले दोनों आउटपुट है। तो ये पावर सर्किट है, पावर सर्किट को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद जो सर्किट है वो कंट्रोल सर्किट है। तो पहले मैं पावर सेक्शन के बारे में मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फिर कंट्रोल सेक्शन के बारे में समझाऊँगा। और मेरी वीडियो में बार बार यही दरख्वास्त रहेगा कि ये सब जानकारी के बावजूद आप लोग किसी भी प्रकार का मीटर को अपने से मत खोलिएगा, क्योंकि आप अपने से मीटर सील भी अगर उसका टूट जाएगा तो चोरी के दायरे में आता है, जिसके कारण आपको काफ़ी परेशानी होगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। सिर्फ आप नॉलेज के लिए समझें, क्योंकि आपके घर में मीटर है, सुरक्षा के कारण समझें कि अगर कुछ हो जाता है फायर वायर तो क्या करना है, सब डिस्क मैं बताया हूँ, और उसको ही फायदा मिल लीजिए। तो देखिए पावर सर्किट में ये वाला खोल दिया हूँ, और ये खोलने के बाद देखिए ये सीटी लगा हुआ है। सीटी में मैं पावर टर्मिनल को बाहर कर रहा हूँ। तो पावर टर्मिनल जब बाहर हो जाएगा तो आपको क्लियर मीटर के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ कवर बच पाएगा, तो आप क्लियर समझ पाइएगा मीटर के अंदर में और कुछ नहीं है। इसके अंदर लग रहा है एक और नट है, उसको मैं फिर खोल के बाहर निकालता हूँ। हाँ देखिए वो नट मिल गया, वो हाँ ये टर्मिनल जो है वो थोड़ा काफ़ी पकड़ा हुआ रहता है एक अंदर से इंटरनल नट से, तो इसीलिए खुल नहीं रहा। देखिए खुल गया, निकल गया। अब ये मीटर में ऐसा कुछ बचा ही नहीं, देखिए पीछे वाला कवर में ऐसा कुछ बचा नहीं, सारा सामान जो है वो बाहर आ गया आपके सामने, पूरा मीटर का अंदर का चीज़ बाहर आ गया। ऐसा वीडियो आपने शायद पहली बार देखा होगा कि मीटर का इतना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में मैं बताया हूँ, एवरी थिंग बाहर निकाल के मैं बताया हूँ। इसको ऐसा वीडियो अभी तक नहीं बना है और YouTube में ऐसा वीडियो आया नहीं, तो हमारा वीडियो अगर आपको कुछ जानकारी मिलेगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। देखिए ये पावर टर्मिनल है, मैंने बोला था कि दो इनपुट रहता है, दो आउटपुट रहता है, तो चार टर्मिनल होना चाहिए। देखिए चार टर्मिनल, यही चारों टर्मिनल है। ये चार टर्मिनल देखिए कैसे इसका कंस्ट्रक्शन रहता है मीटर के अंदर में। ये देखिए ऐसा ही कंस्ट्रक्शन, मैं ऐसा ही अंदर में लाइन ऐसा कंस्ट्रक्शन रहता है, मैंने ऐसा ही अरेंजमेंट रहता है, अंदर में रखा हुआ रहता है। और उससे आपको देखिए दो जो बायां साइड वाला है इनपुट है और जो आपका दाहिना साइड है आउटपुट है, तो एक कंस्ट्रक्शन ऐसा रहता है मीटर के अंदर जिससे आपको पावर मिलता है। और देखिए बीच वाला में ही पावर जो है वो सीटी लगा रहता है, तो उसमें से अंदर से जितना पावर जाता है वो आपको डिटेक्ट करता है और आपको बिजली का जो है बिल उससे आता है। मैं पावर देखिए ऑन करके मीटर भी दिखा दे रहा हूँ, मीटर चालू है, कोई मीटर ऐसा नहीं है मीटर मैंने ख़राब मीटर में आपको चेक करके तोड़ फोड़ के मैंने अंदर का चीज़ दिखा रहा हूँ। ये मीटर चालू मीटर है, सही मीटर है, और देखिए इसका पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा हूँ। ये बैटरी से चल रहा है, अभी आप सोचिएगा कि पावर इसके अंदर कहाँ आया, तो इसके पीछे में बैटरी एक लगा हुआ है, वो बैटरी से मीटर चल रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये देखिए वो बैटरी हमारा है, बैटरी लगा हुआ है जिसके कारण से हमारा उसमें पावर चलता है। एक्चुअली सब मीटर में रहता है, सपोज कीजिए लाइन कटा हुआ है,
और बिजली विभाग वाला जब आए मीटर का रीडिंग देखने तो नहीं रहता, तो इसी कारण में बैकअप के लिए बैटरी रखा रहता है। तो ये बैटरी देख लीजिए, और ये बैटरी में आपका क्लियर बताया गया है, मैं पावर टर्मिनल सिटी को हटा देता हूँ। एक्चुअली इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है आपको भी समझने में कि कैसे रहता है। एक्चुअली जब तक मैं अलग नहीं करूँगा तब तक आपको ज़्यादा करके समझ लेंगे। देखिए मैं सर्किट को हटा ही दिया, सिटी को बाहर कर दिया, वही सिटी है जिससे आपको उधर में जाता है फीडबैक। तो सिटी बाहर करके मैं समझा दे रहा हूँ। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा आप कभी भी मत कीजिएगा अपना मीटर के साथ, ऐसा ये बाहरी मीटर है, मेरा मेन मीटर नहीं है। जस्ट आपको नॉलेज के लिए सारा चीज़ बता रहा हूँ। ये हमारा पावर टर्मिनल है, ये पावर टर्मिनल आपका न्यूट्रल वाला है जिसमें सिटी लगा रहता है। और अभी मैं देखिए सिटी आपका जो है 300T का है, और इसके अंदर एक कॉपर का वायर लगा है मेन, वो सिटी का बीचों बीच पास किया गया है, और दो वायर से सिटी कितना करंट जाता है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया एक टर्मिनल। और सेम ऐसा ही दूसरा टर्मिनल देखिए नीचे रखा हुआ है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। वो दो टर्मिनल जो है उसमें भी दो टर्मिनल है, ये दोनों जब पैरेलली रखा रहता है तो जाके आपका एक सर्किट कंप्लीट होता है। उस सर्किट को भी मैं हटा के सब दिखा देता हूँ। संट जैसा काम करता है, इसमें एक संट भी है, तो पैरेलली संट है और वो कनेक्शन है, उसको भी मैं बाहर कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से भी उसमें समझ में आ जाए कि मीटर के अंदर हमारा है क्या। और आप काफ़ी इसको डिटेल में समझ पाएंगे जब मैं वन बाई वन समझाऊँगा आपको, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। मैं इसको भी खोल दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। देखिए मैं इसको भी बाहर कर दिया हूँ और पूरी तरह मैं बाहर कर दे रहा हूँ। हाँ, ये बाहर हो गया है पूरी तरह से, इसको मैं थोड़ा ढीला हो गया टाइट कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ इसके अंदर है क्या। बस देखिए चार ऐसा टर्मिनल है, ये टर्मिनल जो है वो आपस में कैसे अरेंजमेंट रहता है, मैंने कैसे रखा रहता है मीटर के अंदर में। ये देखिए इस तरह से मीटर के अंदर टर्मिनल को रखा जाता है जिससे आपके घर में पावर जो है वो एक दोनों एक सेंट से जाता है, एक सिटी से जाता है। तो दोनों देखिए क्लियर मैं रख के भी बता दे रहा हूँ, उसको अरेंजमेंट जैसा रहता है ऐसा करके रहता है। अभी यहाँ पे एक चीज़ है कि कैसे हमारा मीटर जब वर्क करता है, देखिए दोनों तरफ से जो भी करंट जाता है उसको एक कंट्रोल सर्किट डिटेक्ट करता है। एक आपको समझने में थोड़ा सा और आसान हो इसके लिए मैं मीटर के अंदर रख के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ब्रीफ में क्लियर हो जाए मीटर के अंदर ये रहता कैसे है। तो ये देखिए ये मीटर के अंदर जैसे एक टर्मिनल घुस गया, सेकेंड टर्मिनल आपका हो गया, तो ये तो ऊपर से पैरेलल ही रहता है। तो ये चार हमारा टर्मिनल ऐसे रहता है। तो अब क्लियर हो गया कि फर्स्ट दो में इनपुट जाएगा, सेकेंड दोनों से आउटपुट आएगा, यानी कि ये जो कॉपर का ऊपर वाला जो प्लेट है वो पैरेलल ही संट जैसे काम करता है, नीचे वाला जो है वो आपका सिटी जो है उसे पैरेलल ही लगा हुआ है, उसमें सिटी से आपका पावर जो भी करंट आप यूज कर रहे हैं उसको दिखाता है। देखिए दोनों पॉइंट आप कनेक्ट करते हैं, दो इधर वाला बाएं साइड वाला इनपुट और दाएं साइड वाला आउटपुट, तो यहीं से ये पावर सर्किट हो गया। ये दोनों जो पावर सर्किट से आपका जो फीडबैक लेता है वो सीटी और संट द्वारा जाके वो कंट्रोल सर्किट में, वो जो कंट्रोल सर्किट मैंने आपको दिखाया वो कंट्रोल सर्किट में वहाँ से यहाँ से जो भी आप पावर लेते हैं यहाँ से फीडबैक उस कंट्रोल सर्किट में जाता है, और वो कंट्रोल सर्किट सारा मेजर करके उसका अंदर जो आईसी लगा हुआ है अंदर में देखिए ऐसा ही करके बंद रहता है, उसके अंदर में जो आईसी लगा हुआ है वो एक एक आपका जितना करंट जाता है उसके अंदर देखिए वो डिटेक्ट करता है और उसको काउंट करते रहता है। काउंट करके जब कंप्लीट हो जाता है तो आपका वो मीटर रीडिंग एक यूनिट दो यूनिट उठते रहता है। तो आपके आपको यही जो हमारे हाथ में पकड़े हैं ये कंट्रोल टोटल सर्किट है, और जो मीटर में लगा हुआ है वो पावर सर्किट है। तो ये ब्रीफ जानकारी मैं दे रहा हूँ इसको कि पावर सर्किट अलग कर दिया, कंट्रोल सर्किट आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। तो देखिए पावर इतना सेक्शन है, कंट्रोल इतना सेक्शन है, तो वहाँ से हमारा ओनली सिटी और संट द्वारा इसमें फीडबैक आता है। तो देखिए अभी भी कंट्रोल सर्किट हमारा ओन है, ऐसा नहीं कि हम अलग कर दिया हूँ तो सर्किट हमारा नहीं चलेगा। देखिए कंट्रोल सर्किट हमारा ओन है, कंट्रोल से कुछ नहीं, जैसी पावर आएगा तो उसमें फीडबैक रीडिंग करेगा
नहीं आप करंट दीजिएगा तो 0-0 रीडिंग करेगा, तो वहाँ से आपका सारा रीडिंग करेगा बैटरी द्वारा, बैटरी इसमें लगा हुआ सिल ऑन है, सब रीडिंग करेगा। रीडिंग करके आपको जब जितना मीटर होता है उतना वो देखिए आईसी जो पीछे लगा हुआ है वो आईसी आपका मेमोरी आईसी है, उसके अंदर जो भी है कभी उड़ेगा डाटा नहीं, उसके अंदर सारा सेक्शन बटा हुआ है कि कौन सा करंट निकाल रहा, करंट को फिर एसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, उसके बाद जाके वो सारा उस मेमोरी में स्टोर हो जाता है। बंद भी मीटर हो जाए तो उसमें एक भी डाटा आपका उड़ेगा नहीं, कितना यूनिट आपने कंज्यूम किया है सारा उसमें कंट्रोल सर्किट के बारे में दिखाता है। तो एक मीटर में दो सेक्शन होता है, कंट्रोल सेक्शन एक पावर सेक्शन, तो कंट्रोल सेक्शन भी मैंने बता दिया, पावर सेक्शन भी मैंने बता दिया। मेरा बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी इसको चोरी के नज़रिए से मत देखिए, इसको नॉलेज के नज़रिए से देखिए, आप समझने के नज़रिए से देखिएगा। और आपको मैं बार बार कह दे रहा हूँ कि बहुत बड़ा जुर्म है, जेल भी जाना पड़ सकता है, मीटर से आप चोरी मत कीजिएगा, उन्हें आप समझिए। थैंक्स।